आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम उन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर वन, मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटरमिनेशन। नंबर टू, संसाधनों का इष्टतम आवंटन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर थ्री, आर्थिक नीतियाँ और योजना, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग। नंबर फोर, व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर्स। नंबर फाइव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर सिक्स, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का कार्य, वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। नंबर सेवन, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। नंबर एट, आर्थिक कल्याण का आधार, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक। ये तो थे व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटरमिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटरमिनेशन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मदद करता है कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वस्तु और कारकों के बाजार में निर्धारित होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, कन्फ्यूज मत होना। सूक्ष्म भी कई बार एग्जाम में बोल दिया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की जगह, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक ही होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मदद करता है कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वस्तु और कारकों के बाजार में निर्धारित होती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो हमें ये जानने में हेल्प करता है कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं की प्राइस निर्धारित होती है, उनकी कीमत जो है वो कैसे निर्धारित होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की व्याख्या करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनके बीच वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की व्याख्या करता है कि उनके बीच में जो सर्विसेज हैं और गुड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसकी क्या करता है, वो एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है। एक बार इस पॉइंट को हम फिर से समझेंगे। मूल्य निर्धारण में क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो ये जानने में हमें हेल्प करता है कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है वो निर्धारित होती है, ठीक है। फिर वो ये हमें जानने में भी मदद करता है कि उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसा है, ठीक है। नंबर टू, संसाधनों का इष्टतम आवंटन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आवंटन मतलब होता है बांटना, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र यह समझाने में मदद करता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सेवाओं में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों का आवंटन और अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो ये हमें जानने में हेल्प करती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कैपिटलाइज इकोनॉमी है उसमें सेवाओं में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों का कैसे आवंटन होना है और अधिकतम उपयोग कैसे किया जाना है, ठीक है। संसाधनों का आवंटन यानी संसाधनों का जो वितरण है वो कैसा होना है, वो होता है संसाधनों का इष्टतम आवंटन। नेक्स्ट, नंबर थ्री, आर्थिक नीतियां और योजना। आर्थिक नीतियां और योजना, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल्य निर्धारण और वितरण नीतियों सहित आर्थिक नीतियों को तैयार करने और जाँच करने में भी उपयोगी है। जो माइक्रो इकोनॉमी है वो मूल्य निर्धारण और वितरण नीतियाँ और आर्थिक नीतियों को तैयार करने में भी उपयोगी है, जो आर्थिक कल्याण और फर्म को निवेश निर्णय लेने में मदद करता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये हमें हेल्प करता है प्राइस डिटरमिनेशन में, वितरण नीतियों में, जो भी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ हैं उनमें, और जितनी भी इकोनॉमिक नीतियाँ हैं पॉलिसीज़ हैं उनमें, ठीक है। जैसे कि हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है कि आर्थिक नीतियां और योजना इनको बनाने में क्या करता है, मदद करता है, प्लस आर्थिक कल्याण और फर्म को निवेश निर्णय लेने में भी मदद करता है। नंबर फोर, व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार, व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणाली की
एक छोटी इकाई के व्यवहार का अध्ययन करता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो आर्थिक प्रणाली की एक छोटी इकाई के व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे कि जब मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, तो मीनिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है और वो बहुत छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। इंडिविजुअल जितनी भी सीरीज़ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उनका अध्ययन करता है। जैसे एक यूनिट, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म, इंडिविजुअल, इनका अध्ययन करता है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। सूक्ष्म अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि से निर्यात और आयात, लाभ की मांग की विनिमय दर, लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की भी व्याख्या करती है। वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको, एक्सचेंज रेट को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स को, गेन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो इनकी क्या करता है, व्याख्या का है। अब एक्सचेंज रेट इनको प्रभावित करते हैं, जो आयात और निर्यात है इनको प्रभावित करते हैं, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन सभी के बारे में कौन क्या करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। नंबर 6, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का कार्य, वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है जो उपभोक्ताओं की पसंद पर आधारित होता है, जो यह तय करने में मदद करता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। नंबर 7, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फिनेंस। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक उधार आदि के प्रभाव को समझाने में भी उपयोगी है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो क्या करता है कि आर्थिक कल्याण पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव का क्या करता है, विश्लेषण करता है, उनका एनालिसिस करता है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं, सार्वजनिक उधार आदि के प्रभाव को समझाने में भी उपयोगी होता है। 8, आर्थिक कल्याण का आधार, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र बताते हैं कि उत्पादन में अक्षमता को दूर करके समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह बताया जाता है कि उत्पादन में क्षमता को दूर करके, जो अक्षमता है उसको दूर करके, जो डिसेबिलिटी है उसको दूर करके समाज में कल्याण को बढ़ाने के लिए संसाधन का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब वो संसाधन कौन से हैं, जैसे वो हो सकते हैं हमारे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, लैब, वो संसाधन कौन कौन से हैं हमारे, कुछ भी हो सकते हैं वो, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, लेबर, फॉसिल एंड फ्यूल्स, और आपके मिनरल्स हो सकते हैं, मनी हो सकती है, तो ऐसे ही वो संसाधन हो सकते हैं।